रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नदीम असरान साहब ने माजरत तलब की थी, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। इलियास सिद्दीकी साहब, डॉक्टर इलियास सिद्दीकी साहब हमारे शहर के एक अदीब और मुफक्किर, मुदब्बिर, यकीनन उन्हें सभी सुनना चाहेंगे। मैंने उनसे भी इजाज़त तलब की थी, उन्होंने भी माजरत का इजहार किया है। मैं एक मरतबा फिर उनसे इजाज़त तलब करता हूँ कि दो मिनट अपने एहसास का इजहार कर दें। डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब, इसके बाद यकीनन हम खुतबा सदारत समाप्त करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन। लायक सद एहतराम सदर साहब, यहाँ पर मौजूद सहाफती कौम के जुमला सरबराहान, सामईन इकराम और ख़ास तौर पर आज के साहब एजाज़ जिनको हम एहसानुर्रहीम अंसारी के नाम से जानते हैं और उनके ख़ानदान के तमाम ही अफराद, मैंने माजरत इसलिए की थी कि मैं देर से आया था और बहुत ही ख्वाहिश थी कि जल्द पहुँचता, लेकिन किसी मजबूरी के तहत नहीं पहुँच पाया। जब भी फुर्सत मिली मैंने बच्चे से कहा कि मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। मैंने वादा किया एहसानुर्रहीम साहब से कि मैं आऊँगा ज़रूर, और देर से आने की वजह से कहता हूँ रिजवान, तेरे कर्म का सजावार तो नहीं हसरत, अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे। बुला लिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यूनुस ईसा साहब की एक खूबी है, ये बोलते हैं कि जो मुझसे पहले बोल चुके हैं जी, ऐसा लगता था कि ये मैं यही बोलने वाला था, लेकिन उनमें एक और खूबी है, उनके बाद जो आने वाले हैं ना वो भी समझ लेते हैं और उससे पहले वो बोल डालते हैं। जो कुछ उन्होंने कहा वो मैं बोलने वाला हूँ, मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। सहाफत पर बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है, होना चाहिए, आपके एक तजवीज़ रख के जाता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतीन से मैंने एक दफ़ा कहा था, मतीन से मैंने कहा था कि एक तजवीज़ मैं रखना चाहता हूँ इस शहर के लिए, सहाफत में हमारे मालेगाँव की सहाफत में क्या है, क्या नहीं है, क्या खूबी है, क्या खामी है, इस पर एक दफ़ा सब लोग जमा होकर चर्चा करें, बेबाकी के साथ, खुले दिल से, पूरी सदाकत और सच्चाई के साथ, तो हमको कुछ समझ में आएगा। यूँ तो अखबारात निकल रहे हैं, सहाफत भी हो रही है क्या, अखबारात निकल रहे हैं, मैं बहुत मुहतात रह के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल मैं एक तजवीज़ आपके सामने रखने के बाद अपनी बात यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ। वो जो कहते हैं कि जब ऐसा, ये मेरे शागिर्द हैं एहसानुर्रहीम, मेरे पास जमहूर के पढ़े हुए हैं और इसीलिए फेल हुए थे क्योंकि मेरे पास पढ़ रहे थे, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि आज उसने अपनी सलाहियतों का लोहा खुद को साबित कर दिखाया, नहीं स्कूल में लेकिन सहाफत में उसने खुद को साबित कर दिखाया, तो बोलते हैं कि मुझे फख्र है कि वो मेरे शागिर्द हैं। मैं इसके उलट बोलता हूँ, मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि किसी ज़माने में वो मेरे शागिर्द रहे और मुझे उनके उस्ताद होने का शरफ हासिल है, इस लिहाज से मैं उनको आज मुबारकबाद देता हूँ और उनके आईने सहाफत की कामयाबी और उसके साथ मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए दुआ करते हुए अपने ये दो लफ्ज़ खत्म करता हूँ। शुक्रिया। यकीनन दिल से मुबारकबाद डॉक्टर इलियास सिद्दीकी साहब से कि वो इतने अच्छे मुकर्रर हैं कि उन्हें बस सुनने को दिल करता है। आइए वक्त की तंगी का लिहाज करते हुए हम खुतबा सदारत की जानिब रवा दवा हैं, उससे पहले उर्दू मीडियम सेंटर
थिएटर की जानिब से मुख्तार अदिल साहब, खलील अब्बास साहब, मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने एहसासात का इजहार करें शाल और गुलदस्ता देकर। अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब भी स्टेज पर तशरीफ ले आए और इन तीनों साहबान पूरे उर्दू मीडिया सेंटर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अंसारी एहसान रहीम साहब की खिदमत में शाल और गुलदस्ता पेश करके आइए। जैसा कि मैंने ऐलान किया कि एक दर्जन से ज़ायद अफराद अंसारी एहसान रहीम साहब का इस्तकबाल करने के मुतमन्नी हैं, यकीनन वो मौका भी आए। बचपन, पचपन और पंचानवे हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।